हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर मीना, प्रैक्टिसिंग पुणे महाराष्ट्र। आज हम बात करेंगे, क्या डायबिटिक पेशेंट डेंटल इम्प्लांट लगा सकते हैं, या फिर क्या डायबिटिक पेशेंट के लिए डेंटल इम्प्लांट एक ऑप्शन है। सो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नॉर्मल हेल्दी पेशेंट के लिए डेंटल इम्प्लांट एक बहुत अच्छा ऑप्शन होता है, एंड इसका जो सक्सेस रेट देखा गया है, दैट इज 98% सक्सेसफुल होता है नॉर्मल पेशेंट में। बट इन डायबिटिक पेशेंट में जो सक्सेस रेट होता है थोड़ा सा कम हो जाता है, दैट इज 90%। बट 90% इज ऑल्सो ए वेरी गुड सक्सेस रेट। सो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि डेंटल इम्प्लांट डायबिटिक पेशेंट के लिए अच्छा ऑप्शन है कि नहीं है। अगर आप इम्प्लांट के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। उन वीडियो में आप देख सकते हो इम्प्लांट की कॉस्ट क्या होती है, इम्प्लांट का प्रोसीजर क्या होता है, इम्प्लांट लगाने में कितना टाइम होता है, ये सारी बातें आप उन वीडियोस में देख सकते हो। अगर आप डायबिटिक हो और आप डेंटल इम्प्लांट लगाना चाहते हो तो आपके माइंड में बहुत सारे सवाल होते हैं कि क्या ये सक्सेस हो पाएगा, या फिर लगाने में कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, या फिर हीलिंग प्रॉपर होगी कि नहीं होगी। तो इन सारी बातों को आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो डायबिटिक पेशेंट को जनरली दो टाइप में कैटेगराइज किया गया है। नंबर वन इज ए कंट्रोल डायबिटिक पेशेंट एंड नंबर टू इज ए अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट। मीन्स अगर कोई पेशेंट डायबिटिक है लेकिन उसका शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है, चाहे वो उन्होंने मेडिसिन से कंट्रोल किया हो या अपनी लाइफ स्टाइल को मेंटेन करके, अगर वो हेल्दी डाइट लेते हैं एंड लाइफ स्टाइल उनकी अच्छी है, तो वो डेंटल इम्प्लांट के लिए एक अच्छा ऑप्शन उनके पास होता है, तो वो डेंटल इम्प्लांट लगा सकते हैं। डेंटल इम्प्लांट लगाने के लिए उनको थोड़ा एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है, जैसे रेगुलर फॉलोअप करने पड़ते हैं, अपने शुगर लेवल को मेंटेन करके रखना पड़ता है, कैल्शियम का सप्लीमेंट उनको कंटिन्यूअसली लेना पड़ता है। अब हम बात करते हैं अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट। अनकंट्रोल डायबिटिक पेशेंट जिनका जिनका शुगर लेवल बिल्कुल भी मेंटेन नहीं होता है मेडिसिन लेने के बाद, और उनका हेल्दी लाइफस्टाइल नहीं है, ओरल हाइजीन पुअर होता है उन लोगों के, तो ऐसे पेशेंट्स में जो सक्सेस देखा गया इम्प्लांट का वो बहुत कम है, बहुत जल्दी डेंटल इम्प्लांट फेल हो जाता है। तो मैं पर्सनली उनको रिकमेंड नहीं करती हूँ डेंटल इम्प्लांट के लिए, अगर उनका डायबिटिक लेवल बहुत ज्यादा है, उनका कंट्रोल लेवल में नहीं है, उनकी बोन्स बहुत वीक होती है, पोरस बोन होती है, तो डेंटल इम्प्लांट उनके लिए सुटेबल ऑप्शन नहीं होता है। अगर आप देखें तो डेंटल इम्प्लांट, जैसे कि मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोस में बताया है कि डेंटल इम्प्लांट हमारी बोन के साथ बाइंड हो जाती है, फ्यूज हो जाता है, एंड वो एक दांत की तरह काम करने लग जाता है। लेकिन जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनकी बोन, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि उनकी बोन वीक होती है, पोरस होती है, तो उनमें जो वो फ्यूज होने की पावर होती है वो नहीं हो पाती है उनकी बोन में, तो ये एक रीजन होता है कि उनमें डेंटल इम्प्लांट फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर आपका डायबिटिक कंट्रोल है, कंट्रोल लेवल पे है, आपने मेंटेन किया हुआ है, हेल्दी लाइफ स्टाइल आप जी रहे हो, हेल्दी डाइट ले रहे हो, डेफिनेटली डेंटल इम्प्लांट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, इवन बहुत अच्छा सक्सेस रेट है, वेरी गुड सक्सेस रेट। सो ये ऑप्शन होता है। आप अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो और आप इम्प्लांट लगाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उसके लिए आपको अपना शुगर लेवल मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सो ये सारी बातें थी जो मुझे आपको बतानी थी कि डायबिटिक पेशेंट में भी इम्प्लांट लग सकता है, थोड़ा सा प्रिकॉशन के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।